कल की डेट में हमने पढ़े थे इनसिक्योर डेटा स्टोरेज के बारे में कि भाई डेटा अगर स्टोर हो रहा है तो भाई एक ऐसी जगह पर स्टोर हो रहा है जहां पे उसे एनक्रिप्टेड स्टोर होना चाहिए था, बट किसी वजह से या कंपनी ने हाशिंग एल्गोरिथम अच्छा नहीं लगाया था, तो उससे चक्कर क्या पड़ा कि भाई तुम्हें डेटा प्लेन टेक्स्ट में दिखने लग गया था, अलग अलग स्टोरेज एरिया। कौन से एक तो अपना ऑप्शन था ही कि भाई डेटा जहां पर स्टोर होता था शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फाइल में, क्योंकि भाई शेयर्ड प्रेफरेंसेस में हमेशा डेटा स्टोर होता है, या कंपनी वाला या डेवलपर जो भी है वो स्पेसिफिकली वहां पे डेटा स्टोर करवाता है। ये काम तुम कैसे करोगे, इतना हम तुम्हें ढूंढना पड़ेगा क्या भाई इसके अंदर ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इसके अंदर ये पर्टिकुलर पॉइंट है। अगर तुम पर्टिकुलर पॉइंट ढूंढ सको तो ही तुम्हें वो पर्टिकुलर मॉड्यूलेशन मिलेगा कि भाई यहाँ पर है एरिया। अगर वो नहीं मिला तो तुम डायरेक्टरी के बारे में नहीं पता कर सकते। तो भाई एक होता है हमारे पास शेयर्ड प्रेफरेंस, चलो वो तो एक एरिया था इनसिक्योर डेटा का। दूसरा डेटा हमने देखा था डेटाबेस के अंदर भी कि भाई अगर स्टोर हो रहे तो एसक्यूएलआईट के अंदर भी डेवलपर स्टोर करवा सकता है, तो भाई एसक्यूएलआईट के अंदर भी चेक करा तो भाई वहां पर भी हमने को अनएन्क्रिप्टेड मिला। फिर भाई तीसरा देखा हमने कि टेम्पररीली भी स्टोरेज करवाई जा सकती है, और टेम्पररी में भी प्लेन टेक्स्ट के अंदर डेटा स्टोर होता है तो भी एक बग माना जाता है। चौथा हमने देखा था अगर टेम्पररी भी नहीं है तो एक्सटर्नल स्टोरेज का एरिया भी है, अगर एक्सटर्नल स्टोरेज एरिया है तो भाई वहां पर भी हम लोग ये चीज चेकआउट कर सकते हैं कि भाई वहां पे क्या जो डेटा है स्टोर हो रहा है प्लेन टेक्स्ट में या नहीं हो रहा। अगर प्लेन टेक्स्ट है तो बहुत बड़ा इशू है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर सीधी बात आती है कंपनी के ऊपर कि भाई कंपनी को वहां पे अच्छा खासा इंक्रिप्शन लगाना चाहिए था, एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं करा। ठीक है, अब जो सी बात आ जाती है अपने पास यहाँ पे वो ये है कि अब हम पढ़ेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में। एसक्यूएल इंजेक्शन तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, तो वैसे मैं पूरी कहानी रिपीट नहीं करूंगा, बट अपना जो मेन कहानी है वो यहाँ से शुरू होता है। चलो भाई पब्लिक क्लास एसक्यूएल इंजेक्शन की एक्टिविटी, इसके लाइट का डाटाबेस ऑब्वियसली एसक्यूएल इंजेक्शन कर रहे हैं, तो एमडीबी जिसका नाम है भाई जैसे चालू होगा ऑन क्रिएट डाटाबेस का एक फंक्शनैलिटी दे रखा है, यहाँ पे एसक्यूएलआईएस का नाम दे रखा है। अब भाई यहाँ पे कुछ इन्होंने स्पेसिफिक दे रखे है क्या कि भाई सारे सारे डिटेल्स के बारे में क्या क्या भर रखा है इन लोगों ने। अब नीचे की तरफ आते हैं, अब यहाँ पर है ना इन्होंने कुछ डिटेल दे रखी है। देखो भाई अब मैं तुम्हें मेन टूल पे लेकर आता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ट्राई टू एक्सेस ऑल द यूजर डेटा विदाउट नोइंग एनी यूजर नेम। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ना सर्च की फंक्शनैलिटी है, जैसे कि मैं ना एक एडमिन नाम का यूजर है तो उसके बारे में ना एक सर्च करता हूं, ये देखो नीचे एडमिन का क्या आया, पासवर्ड 123 और भाई क्रेडिट कार्ड की डिटेल आ गई एडमिन की, क्योंकि एडमिन बैकग्राउंड पे एक यूजर था। लेकिन यहां पर क्या मांगा जा रहा है, यहां पर ये मांगा जा रहा है कि भाई सारे के सारे यूजर्स का मेरे को डेटा चाहिए एक ही बारी में। जैसे इसके लिए जिसके टाइम पर होता है क्या, तुम लोग बैकग्राउंड के सारा सारे डेटाबेस उसकी यूएक्स से उठा के ले आते हो और तुम्हारे सामने प्रेजेंट हो जाता है, बट मोबाइल एप्लीकेशन के इंटरफेसेस पैरामीटर बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सर्च की फंक्शनैलिटी है, तुम लोग यहाँ पे सर्च भी निकाल दो। सर्च भी कैसे निकाल दो, यहाँ पे सीधा बोला गया कि भाई डेटा निकालना बट एक ही बारे में निकालना हर यूजर का, और तुम्हें यूजर के नाम भी नहीं पता, नाम एडमिन बाई डिफॉल्ट होता है। तो मैंने डाला यहाँ पर इम्प्रॉपर और नो इनपुट वैलिडेशन इश्यू अराइज when the input is not filtered or validated before using it when developing components that take input from outside। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लाइन में बोला जा रहा है कि भाई कई सारे ऐसे पैरामीटर होते हैं जो कि बैकग्राउंड में ना क्वेरीज का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो सर्च का पैरामीटर है क्वेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्च की क्वेरी कौन सी, जो कि एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर में इस्तेमाल करी जाती है। ये जो क्वेरी है मेरे को आइडिया है नहीं क्या है, बट जब मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ तो इसने एक फंक्शन दे रहा है मेरे को सर्च का फंक्शन। सर्च के फंक्शन में क्या बोल रखा है कि भाई यहाँ पर एक रॉ क्वेरी डाली देगी हमारे पास, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एसक्यूएल यूजर वेयर यूजर, इस पर्टिकुलर पोर्शन में यूजर का नाम डाला जा रहा है। कहां पर, सर्च टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट, ये जो पूरा पूरा एरिया दे रखा है ना, इस एरिया में ये लोग क्या चाहते हैं कि भाई यूजर अपना इनपुट दे दे, हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे, हमारा पूरा पूरा क्वेरी यहाँ पर उठकर आएगा और हम लोग यहाँ पे डाल देंगे नाम से। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको उठा लेता, ये देखो भाई ये रहा हमारा पूरा पूरा हिसाब किताब जिसके ऊपर अभी हम लोग वर्क कर रहे थे। ठीक है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एसक्यूएल यूजर वेयर यूजर इज दिस। अब यहां पर अपने को पूरा पूरा डेटा एंटर करना है, जो भी हमारा यूजर हमसे चाहता है, जो भी हम लोग इनपुट करवाना चाहते हैं। तो अभी के लिए मैंने क्या इनपुट करा था, एडमिन, एडमिन का उसने मेरे को डिटेल लाके दे दिया, बाकी यूजर्स के बारे में मैं नहीं जानता। तो जब यूजर्स के बारे में मैं नहीं जानता होता हूं ना, तो यहां पे मैं एसक्यूएल की सर्च क्वेरी लगा देता हूं, एक सिंपल सी, कौन सी वाली, जो से तुम लोग एसक्यूएल के सर्च पेलोड लगाते थे, एडमिन 1 = 1 वाले बूलियन वाले पेलोड्स बेसिकली।
तो भाई यहाँ पे अब मेरे को बुलियन वाला पेलोड एक क्रिएट करना पड़ेगा। अब क्रिएशन वाला काम अपने को करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि क्या हमारे पास एसक्यूएल के पूरे पूरे पेलोड्स पड़े हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं, एसक्यूएल की सीरीज से पेलोड उठाते हैं। बुलियन वाला बिल्कुल एडमिन और डी से बाईपास कहते हो जैसे, तो ये रहे हमारे, ठीक है। तो नोट पैड कहाँ गया मेरा, ये रहा भाई, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ ज्यादा नहीं करने वाला, मेरे को बस इतना सा काम था कि भाई यहाँ पर है मेरे को सिचुएशन डाली थी एडमिन। देखो भाई यहाँ पर क्या सिचुएशन है, यहाँ पर मैंने बोला एडमिन तो एक यूजर है ही, चलो कोई दिक्कत नहीं उसमें, वो मैं ही सही बात कह रहा हूँ। दूसरी बात मैंने यहाँ पे ये कही कि भाई 1=1 है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ही भाई, इसके लिए डिनाई कर नहीं सकता। तो भाई 1=1 पे मैंने यहाँ पर ये वाली बात बोल दी। अब भाई यहाँ पे ना मैंने बीच में एक और का ऑपरेटर डाला। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, एक तो ये वाली बात है और एक ये वाली बात है। यहाँ पर मैंने तेरे को दो बातें दे रहा हूँ, दोनों में से भी कोई एक कंडीशन सही हो तो पूरी स्टेटमेंट को ट्रू कर दियो। अगर यहाँ पे एडमिन भी सही होता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, और 1=1 होता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तेरे को पूरी पूरी स्टेटमेंट ट्रू कर देनी है। ट्रू करने से क्या होगा, मेरे को पूरा पूरा डेटा शो होगा जो कि बैकग्राउंड पे चल रहा था, सर्च की क्वेरी है, ठीक है, ना कि बाईपासिंग की क्वेरी है। तो यहां पर मैं वही काम कर देता हूं, अब यहां पर इसे फाउंड नहीं होगा। अब यहां पे क्या बताइए कि तुम्हें क्वेरी डिफरेंट डिफरेंट चेक करनी थी, बट क्वेरी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चेक नहीं कर रहे क्योंकि भाई ये क्या है, एक वल्नरेबल प्लेटफॉर्म है, तो क्वेरी अपने को यहां पर मिल जाएगी। ऑलरेडी अपने अंदर डेटा स्टोर करके बैठा हुआ था। ये देखो, एक आ गया एडमिन, उसका पासवर्ड 123, उसके क्रेडिट कार्ड की डिटेल दीवा, फिर भाई दूसरा उसका डिटेल, फिर भाई तीसरा ये उसका डिटेल। हम लोगों ने क्या करा, ये कोड में ऑलरेडी पड़ा हुआ था, मैं तुम्हें बस ये समझाना चाहता था। एक्चुअली मैं लैब तुम्हें क्या समझाना चाहता था कि भाई तुम लोग ये वाला काम ना बिना इसके स्टैटिक एनालिसिस करे हुए भी निकाल सकते हो। स्टैटिक एनालिसिस तो आ ही गया, तो रिपोर्ट हो ही जाएगा, सीधी बात है। लेकिन ये चीज तेरे को फ्रंट एंड पे भी दिखाई दे रही है, पॉइंट ये था। अब यहाँ पे तेरे दो डिफरेंट काइंड के बग निकले, देख फ्रंट एंड पे भी तेरा बग निकला, तेरा डायनामिक में भी बग निकला, तेरा स्टैटिक में भी बग निकला। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर इम्पैक्ट बढ़ा है। इंपैक्ट का मतलब यहाँ पे बाउंड्री बढ़ता है अपना बेसिकली, कि भाई तूने बैकग्राउंड पे देखते देखते ना कोड में निकाल दिया, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं, बट तूने ना सिमिलर क्वेरी को फ्रंट एंड पे चालू करने की कोशिश करा, वहां पे ये पढ़ने का कोशिश करा कि भाई अगर मैं एसक्यूएल का कोई भी पेलोड लगाता हूँ और एसक्यूएल के पेलोड से क्या चाहता हूँ कि भाई ये ना बस मेरी कंडीशन को प्रूव करे, और मेरी कंडीशन से क्या करे मेरा हेल्प कि भाई मेरे को मेरे बैकग्राउंड का डेटा दिखा दे। और तेरे को अगर बैकग्राउंड का डेटा दिख गया क्वेरी की हेल्प से, तो भाई ये वाला तेरे क्लाइंट साइड इंजेक्शन में भी गिना जाएगा। यहाँ पर तो तू देख रहा है एक तरीके से ये सर्वर साइड का हो गया कि भाई सर्वर साइड का डेटा तेरे को शो हो रहा है, वहां की तरफ से क्या है वहां पर क्लाइंट साइड इंजेक्शन हो गया तेरा कि भाई तूने क्लाइंट साइड पे कुछ डाला, तेरे को सर्वर एंड की तरफ से कुछ डेटा दिखने लग गया, ठीक है। क्या नहीं समझा इसमें, तेरी बाउंड्री बढ़ जाएगी बेसिकली, मैं ये समझा रहा था। आपने ये बोला है कि आपने ये हमारा फ्रंट एंड क्यों करा, फ्रंट एंड का मतलब तभी करते हैं हमने कोड को पढ़ा है और कोड में देखा है भाई हमारा ये बिल्कुल, लेकिन वहां पर तूने ये थोड़ा देखा, तूने यहाँ पर देख लिया, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, हार्ड कोडिंग इश्यूज के अंदर आ गया। हार्ड कोडिंग इश्यूज तो एक अलग बग हो गया, मैं तो इसके लिए इंजेक्शन समझा रहा था, ठीक है। अगर तू यहाँ पर देख लेगा तो तू सीधा कंपनी का रिपोर्ट मान किसी हार्ड कोडिंग इशू है, लेकिन तूने यहाँ पर आके क्या पढ़ा कि भाई इन्होंने ना ये पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर रखी हुई है, अपने एसक्यूएल के डाटाबेस में, और ये जो एसक्यूएल का डाटाबेस है, अब भाई एसक्यूएलआईट की तेरे को जाके चेक करना पड़ेगा कि भाई एसक्यूएलआईट है तो भाई कहाँ पे डेटा इन्होंने स्टोर करवा रखा है। लेकिन हम लोग इनसिक्योर डेटा स्टोरेज पढ़ नहीं रहे थे, तो वहां पर पढ़ रहे होते तो हम लोग ऑब्वियसली एसक्यूएलआईट के अंदर जाके ये चीजें पढ़ते, बट हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन। तो क्वेरी पैरामीटर के हिसाब से बात क्या थी कि भाई अब तेरे को नॉर्मल एप्लीकेशन से क्या चेक करना पड़ता है, तेरे को सर्च क्वेरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। सर्च क्वेरी से क्या हुआ, कौन सा वाला कर रहे थे हम, इनपुट वैलिडेशन इश्यूज,
यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन की बात करी गई है हमारा पूरा पूरा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एक्सेस कंट्रोल इशू का। क्या हो गया ये? एसक्यूएल इंजेक्शन यहाँ पर भी, अब देख यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर दूसरा पार्ट आ गया, दूसरा पार्ट भी समझा कर दूसरा। देख मैंने ना एक बग पढ़ाया था तुम लोगों को, लोकल फाइल इंक्लूजन और रिमोट फाइल इंक्लूजन, ठीक है। फाइल इंक्लूजन हो गया हमारा डायरेक्टली ट्रेवर्सल हो गया, मतलब क्या था वहां पे तुम लोग ईटीसी पासवर्ड निकालते हो। अब यहाँ पर भी ना कई बार सीन यही चल रहे होते हैं। अब जैसे कि मैं तुम्हें समझाऊं कि भाई कई बार ना एप्लीकेशन के कुछ पैरामीटर्स को करेक्ट करवाया जाता है वेब के यूआरएल से, वेब के यूआरएल से किस वजह से, ताकि वो लोग डेटा लेकर आए। अब अगर तुमने डीएच हाक बार चलाया है तो तुम लोग एक बात समझ गए होगे कि वहां पर ऊपर की तरफ एक पैरामीटर दे रखा था, नीचे की तरफ दे रखा था एग्जीक्यूट का बटन, एग्जीक्यूट के बटन जैसे ही दबाओ तुम लोग उस वेब एप्लीकेशन पे पहुंच जाते हो। डीएच हाक बार की ये खास बात है, लेकिन वो एक ही एप्लीकेशन में दो काम करा रहा है, अपना खुद का ब्राउजर भी चला रहा है ऊपर से एक पैरामीटर भी दे रहा है तुम्हें चलाने का। ये जो पॉइंट है ना, ये तुम्हें एक कनेक्ट करवा रहा है एक पर्टिकुलर पैरामीटर में। सिमिलर में क्या होता है, अब तुम्हारी बैंकिंग एप्लीकेशन होती है, बैंकिंग एप्लीकेशन भी बड़ा सीन है। तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग अपना अपना वहां पर आईडी डालते हो, अपना अपना यूजर नेम डालते हो और तुम्हें डायरेक्ट अपने पॉइंट पे एंट्री मिल जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो चीज स्टोर्ड है। फीचर तो है ही, फीचर से तो बग बनेगा फिर, ठीक है। अपने काम में बग निकालना, बैंकिंग वाले में तो पहले आप अपना यूजर नेम वगैरह डालते हो, फिर एप्लीकेशन लॉक के सिक्योरिटी फीचर्स के थ्रू जाके, और आप वो तो सिक्योरिटी में एग्जांपल दे रहा था, ठीक है, मैंने सिक्योरिटी की बात नहीं करी थी, एग्जांपल था बस। हाँ, तो मैं जो समझाना चाह रहा था वो ये था कि भाई अगर URL चल रहा है और वहां पे क्या चल रहा है, बेसिकली एक स्कीमा चला रखा है। स्कीमा क्या है अपने पास, जैसे HTTPS हो गया, FTP हो गया, SMTP हो गया, फाइल का हो गया, ये सारे अलग अलग टाइप के स्कीमा चला रखे हैं। स्कीमा इस पर्पज से चलाए जाते हैं ताकि तुम्हें स्पेसिफिक चीज कॉल करवा रही एक पर्टिकुलर पैरामीटर में से। अब पैरामीटर क्या है, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बस इससे फर्क पड़ता है कि भाई मोबाइल के अंदर बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, डेटा पड़ा हुआ है तो वही वो कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी वजह से स्टोर करवाया जा रहा है और यूजेज भी चल रहा है उसका कुछ ना कुछ। बस पॉइंट इतना है कि भाई वो किस तरीके से इस्तेमाल करा जाएगा। अब जैसे कि तुम्हारा ये वाला पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म है, एंटर द URL टू व्यू, मैं एक काम करता हूँ यही वाला ओपन कर लेता हूँ, क्या हो गया, आप अगर व्यू के बटन पे क्लिक, ये लो भाई आगे मेरे नीचे से अपनी वेब एप्लीकेशन, ठीक है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जो कि तुम्हें स्पेसिफिक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर को कॉल कराने में हेल्प कराते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा सबसे बड़ा एग्जांपल एक चीज का वो है तुम्हारे ब्राउजर्स। तुम लोग ब्राउजर्स में कुछ भी लिखोगे ऊपर, पैरामीटर में कुछ भी टाइप करोगे, वो तुम्हें डेटा कॉल करके वहां से करवा देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत की बात यार ये नहीं होती, ट्राई एक्सेसिंग एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम अ वेब URL, इम्प्रॉपर और नो इनपुट वैलिडेशन इशू अराइज व्हेन द इनपुट इज नॉट फिल्टर्ड और वैलिडेटेड बिफोर यूजिंग इट, व्हेन डेवलपिंग कंपोनेंट्स दैट टेक इनपुट फ्रॉम आउटसाइड ऑलवेज वैलिडेट इट। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम लोग एक इनपुट दे रहे हो, बट इनपुट कहाँ से दे रहे हो, बाहर की तरफ से दे रहे हो,
इसका इंटरनल कोई भी आईएसी नहीं दे रहा है, यहाँ पर इंटर एप्लीकेशन कॉम्पोनेशन कुछ भी नहीं चल रहा है, यहाँ पर तुम लोग बस खुद से इनपुट दे रहे हो और खुद से चाह रहे हो कि भाई एक मेरा पर्टिकुलर यूआरएल ओपन हो जाए। बट अब यहाँ पर मेन कहानी क्या चाहता हूँ मैं कि अगर ये बाहर की बातचीत खोल रहा है ये पर्टिकुलर पैरामीटर, तो मैं इसे स्पेसिफिकली चाहता हूँ कि भाई मेरे को ना कुछ इंटरनल बातचीत चाहिए आपसे। तो अब इंटरनल जाने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा अपने एडीबी में। एडीबी खोलियो, चलो भाई एडीबी शेल, एडीबी शेल, अबे शेल एलएस, यहां से पैरामीटर में जा रहा हूं, एमएनटी, ठीक है, एसडी कार्ड। अब जो समझाना चाह रहा हूं भाई, वहां पर वर्डिंग लिखी हुई थी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर का डेटा, एक्सटर्नल यहां पे क्या हमारा एसडी कार्ड है, इसलिए एसडी कार्ड में तुम्हें लेकर आया हूं। LS, LS, dash, LA. क्या चीज़? आपने एडीबी शायद तो उससे करा जाए मुझसे। अपने सीएमडी में मैं ये वो एंड्रॉइड स्टूडियो को कैसे एक्सेस कर पाऊँगा अपने सीएमडी में? सेम वे ही है। सेम वे ही होगा? हाँ, तो फिर अलग थोड़ी ना हो रहा है। उधर क्या तेरे को अलग लग रहा है? करके देख ले ट्राई। LS, dash, LA. हाँ, तो भैया अभी काम करता हूँ मैं, जब यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है तो यहां से डालूंगा MNT/SD कार्ड, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, वेब पेज नॉट अवेलेबल। अब यहाँ पे वेब पेज नॉट अवेलेबल की बात कर दी गई है। अब इसका यहाँ पे मेन पॉइंट क्या आ रहा है कि भाई यहाँ पर दोस्तों तुम्हारा MNT SD कार्ड मैंने ओपन करा, इसके अंदर में तुम्हें कोई भी फाइल नहीं दे रखा। अब अगर यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड में कोई फाइल स्टोर करवाई होती तो भाई फाइल में क्या था, तुम्हें यहाँ पर डायरेक्टली उसका डेटा शो होने लग जाता। Vim Linux में, Linux में है। क्या चीज? डिबगर ओपन कर अपना, उससे से डिबग ओपन कर मोबाइल का, सेटिंग में जाके एक होता है ये, एक होता है ये नोटपैड, और आगे XML, XML भी चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई यहाँ पर मैं तुम्हें वैसे समझा रहा हूँ, देख मैं यहाँ पे जो समझाना चाहता हूँ वो ये पॉइंट है कि भाई यहाँ पर हमारे पास एक फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, मैंने फाइल का यहाँ पर स्कीमा लगाया, उसके बाद एक URL दिया, जो ये मेरे को इनपुट वैलिडेशन इशू में समझाना चाहता था कि भाई हमारे ब्राउजर्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारी फंक्शनैलिटीज होती है, बट फंक्शनैलिटी क्या है कि भाई तुम्हारे को जिस परमिशन के बारे में बोला गया है ना वही काम तुम लोग करवा सकते हो, ठीक है। अब अगर एप्लीकेशन वालों ने एक परमिशन तुमसे मांगी हुई है कि भाई तुम्हारे इंटरनल स्टोरेज का एक्सेस है, तो तुमने ऑब्वियसली उसे दे दिया, बट उसने कभी भी एक्सटर्नल स्टोरेज का एक्सेस नहीं मांगा था। यहाँ पर तुमसे पर्टिकुलर एप्लीकेशन तुम्हें समझाना चाहता है ना, वो ये है कि भाई अगर एक्सटर्नल स्टोरेज का डेटा तुम लोग डायरेक्टली एक वेब ब्राउजर के किसी स्पेसिफिक पैरामीटर या एक ऐसे पैरामीटर जहां से तुम लोग URL डाल रहे हो वहां पर जाकर एक्सेस ले पाते हो, demo.txt, hello.txt नाम की फाइल का, तो उस चीज को बोलेंगे इनपुट वैलिडेशन इश्यूज। यानी कि यहां पर तुमसे तुम इनपुट दे रहे थे, अब तुमने क्या करा, तुमने नॉर्मल इनपुट की जगह पे वहां पर कुछ स्कीमा वाला इनपुट दिया। पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में था SQL की क्वेरी का इनपुट, जहां पर तुम लोग कुछ स्पेसिफिक सर्च करवाना चाहते, जिस सर्च की एंट्री क्या होता तुम्हें कुछ डेटा दिखने लगता था। अब यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर भी तुम्हें डेटा दिख रहा है बट अब क्वेरी के हिसाब से डेटा दिख रहा है, समझे? कोई राउ चार पूछ जी,
वो एक अलग चीज थी, वो हार्ड कोडिंग इशूज था। जब से मैंने एपीए की लेके से कहा ना, डेवलपर ने गलती से छोड़ा था, हार्ड कोडिंग इशूज। देख पार्ट वन में ना मैंने इतना सा करा था कि भाई क्या होता है, अब एप्लीकेशन ना अपने बैकग्राउंड में डेटा स्टोर करके बैठी हुई है। जिनसे पार्ट वन था ना, जब मैंने से जार्डस के अंदर खोला तो जार्डस ने मेरे को सिंपली एक बात बताई कि भाई इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ना एसक्यूएल के अंदर से चलाया जा रहा है, यानी कि एप्लीकेशन के अंदर एसक्यूएल का इस्तेमाल करा जा रहा है। तो मैंने डाटाबेस का नाम वही से ही पढ़ लिया था। तो जब मेरे को ये वाली बात पता चली ना, तब जाके मैंने एक छोटा सा काम करा कि भाई मैंने ना उसके अंदर एसक्यूएल का एक सर्च पैरामीटर का इस्तेमाल किया कि भाई अगर उनका सर्च पैरामीटर चल रहा है तो मैं वहां पर जाकर एक ऐसी क्वेरी लगाऊंगा जिस क्वेरी की हेल्प से मेरे को एक ऐसा स्पेसिफिक डेटा दिखाई देगा जो कि बैकग्राउंड में है बट सामने की तरफ नहीं दिखाई दे रहा है, यूआई में नहीं दिखाई दे रहा मेरे को। इस चक्कर में मैंने उसका इस्तेमाल किया, ये फर्क आया था। मैं कुछ क्लास के बाद एक बार चेक कर लेता हूं। कौन सा करा था हमने, ये वाला था, ठीक है। इसका नाम एसक्यूएल इंजेक्शन का एक्टिविटी दिया गया, लेकिन इसका नाम ये नहीं होता, इसका नाम होता है इनपुट वैलिडेशन इश्यूज, ठीक है। एसक्यूएलआईट डेटाबेस चला रखा है इन लोगों ने, इसलिए मैंने तेरे को एसक्यूएल इंजेक्शन के बेस में ही समझाया था, क्योंकि इसका एक्चुअली में नाम यहाँ पर हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं बोलते, एसक्यूएल इंजेक्शन तुम्हारा वही कॉमन वाला ही होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तुम्हारे क्वेरी बेस्ड इंजेक्शन होता है कि तुम लोग यहाँ पे क्वेरी लगा रहे हो सर्च, इसलिए इसका नाम ये पड़ा। अदरवाइज डेटा तुम्हारे पास ऑलरेडी है एसक्यूएल इंजेक्शन वाला, वही सेम एसक्यूएल इंजेक्शन आप लोग यहाँ पर ही बैठ के करते हैं, बस मोबाइल का यूआई फ्रेमवर्क बदल जाता है, इस चक्कर में एक नया बग मार दिया जाता है, ठीक है। बिल्कुल आराम से देख सकता है, और साथ में जो कल मैंने बताया था इनसिक्योर डेटा स्टोरेज, वो भी आराम से चेक कर सकते हैं भाई पूरी पूरी एप्लीकेशन के अंदर, अब कहीं से भी निकल कर आ सकता है। जबकि ब्राउजर का जब तूने manifest.xml खोला था ना, तो उधर ऐसे कोई परमिशन नहीं था कि तेरे पास एक्सटर्नल स्टोरेज का एक्सेस आ जाए, ठीक है। स्टिल मैं एक्सटर्नल स्टोरेज से डेटा कॉल करवा पा रहा था, कैसे, स्कीमा की हेल्प से। बाय डिफॉल्ट क्या है, HTTPS का स्कीमा लिया जाता है, लेकिन अभी मैंने क्या करा था, मैंने फाइल का स्कीमा लिया, वहां से मैं अपने एक्सटर्नल स्टोरेज में गया, MLT में गया, SD कार्ड के अंदर गया, और SD कार्ड के अंदर अगर वो मेरा फाइल है तो अगर मैं उसे डायरेक्टली ओपन करके अपने ब्राउजर में देख सकता हूं तो वो स्पेसिफिक बग माना जाता है, ठीक है। अब भाई ये आया एक्सेस कंट्रोल का इशू, ये वाले होते थोड़े खतरनाक। देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है, अब यहाँ पर API आ गया क्रेडेंशियल, अब इस लाभ करें बहुत ही तगड़ा मोटिव रहता है यार कि WhatsApp पे लॉग लगा हुआ होता है, ठीक है, उस लॉग को बिना छुए तुम्हें बैकग्राउंड का डेटा देखना है, मतलब आप ही ओपन करना है, लॉग बाईपास करना है इसके, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट ये रहता है इस चीज का, वेंडर API क्रेडेंशियल, तो ये रहे हमारे क्रेडेंशियल, इन क्रेडेंशियल को मेरे को यहाँ से देखना है, लेकिन मेरी एप्लीकेशन ना बंद रहेगी, ठीक है। यहां पर हालांकि कोई लॉक नहीं लगा हुआ, जो चीज सेकंड वाली उसके लॉक भी लगा हुआ है, बट अभी के ना मैं इसे बंद कर दूं, समझे बात को, क्या है एक्सेस कंट्रोल इश्यूज, अब इसे करके दिखा लो। हाँ तो भाई सबसे पहले डैश में नहीं जाने का अपने को, इधर अपने को ना बिस्की देखनी है मैनिफेस्ट की फाइल डायरेक्ट, मोटा मोटा हम लोग यहाँ पे परमिशन चेक करते हैं कि भाई किस किस चीज की क्या क्या परमिशन दे रखी है, ठीक है। अभी जब मैंने तुम्हें बग दिखाया था API वाला, तो वहां पर भी मैं एंड्रॉइड की मैनिफेस्ट फाइल में नहीं किया था, एंड्रॉइड की मैनिफेस्ट की फाइल में ना ये सारी बातें लिखी हुई होती है कि भाई कहाँ पर क्या क्रेडेंशियल डाल रखा है इन लोगों ने,
क्या क्या परमिशन ले रखी है। अब देखो भाई यहां पर है ना एक बात लिखी होगी, पढ़ना पड़ेगा। हाँ देखो यहाँ पर एक छोटी सी लाइनअप लिखा हुआ है कि भाई एक्सेस कंट्रोल कहा गया सारा। एक तो ये आ गया, नंबर टू ये रहा। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल वन एक्टिविटी। अब यहां पर क्या है, यहां पर है एपीआई क्रिएट की एक्टिविटी हमारे पास। देखो यहाँ पर एक इंटेंट का फिल्टर लगा रखा है। इंटेंट का क्या मतलब है कि भाई तुम्हें एक स्पेसिफिक काम करवाना है। यहाँ पर क्या एक काम दे रखा है, ठीक है, एएम में क्या है, एएम के अंदर हर एक बात मतलब एक्टिविटीज को मैनेज करना पूरा एक्टिविटीज चलेगी कैसे, एक्टिविटीज के अंदर में तुम्हें पिन को बायपास करवाना है, एक्टिविटीज के अंदर में तुम्हें बुलियन की स्टेटमेंट लगवानी है कि भाई अगर पीछे पैटर्न का लॉक लगा हुआ है या फिर पिन का लॉक लगा हुआ है तो तुम चाहते हो उस पिन के लॉक को बायपास करना है। तो बेसिकली काम क्या करना है, उस पिन वाले को सीधा से समझाना है कि भाई तेरी बुलियन कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट है, ट्रू चल रही है, बायपास ये बग है। ठीक है, ऐसे समझ लेना कि बस बायपास हो जाता है, बग होता है तो बायपास होता है। चलो अब यहां से मैं चला जाता हूँ अपने डेटा में। मुझे समझ नहीं आया तुम्हारे से। एप्लीकेशन अवेलेबल है इस वल्नरेबिलिटी को से, तो ये जो क्रेडेंशियल्स है इसको बैकग्राउंड पे स्टोर करवाता है, जिसको हम एक्सट्रैक्ट करके फिर उसको यूज करके। हां तो अभी भी तो यहां पे मैं यही कर रहा हूं, मैं मैनिफेस्ट की फाइल में तो आया ओपनिंग एंड्रॉइड manifest.xml, यहां पर आके मैं वही तो चेक कर रहा हूं कि भाई मेरे पास क्या क्या हिसाब किताब पड़ा हुआ। अगर यही चीज तेरे को जाडेस में देखे तो जाडेस में भी देख सकता है। मैं तो वैसे भी अलग से ओपन करके लाया। चलो भाई यहाँ से आ जाएगी हम लोग अपनी मैनिफेस्ट की फाइल में, रिसोर्सेस मैनिफेस्ट। ठीक है, जहां पर अभी मैं बैठा भी हुआ था सिमिलर फाइल यहीं पर ही ओपन करी मैंने, जैसे अभी वहां पर दूसरी एप्लीकेशन पे भी करी थी मैंने अपनी। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा आ जाएगा एक्सेस कंट्रोल की नंबर वन एक्टिविटी। अब यहाँ पर मेरे को स्ट्रिंग दे रखे फिर से। देखो भाई स्ट्रिंग दिए, जैसे अभी मैं वहां पर स्ट्रिंग के अंदर गया था, यहाँ पर मैं स्ट्रिंग्स के अंदर जा सकता हूँ इसके resources.rs के अंदर जाके। यहाँ पर वही मेरे को दे रखा है एक्सेस कंट्रोल वन एक्टिविटी। फिर भाई उसके बाद मेरे को एक चीज मेंशन कर रखी है, एक लेवल दे रखा है एक एक्टिविटी के अंदर में कि भाई जिस स्ट्रिंग में आप जाएंगे उसके अंदर एक एपिक लेवल है जहां पर एपीआई के क्रेड्स की एक्टिविटी करी हुई है अपने पास। अब यहाँ पर नीचे की तरफ एक इंटेंट का फिल्टर दे रखा है। इंटेंट का फिल्टर मतलब क्या है कि तुम्हें एक स्पेसिफिक काम करवाने के लिए स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को कॉल करवाना है। फंक्शनैलिटी क्या है हमारी कि तुम लोग जैसे मोबाइल पर जाते हो अपने एप्लीकेशन में, डिवा को ओपन करते हो, करियो यहां पर आकर आ जाएगा अपने पास एक्सेस कंट्रोल के इश्यूज। रुक तेरा मैसेजिंग के ऊपर हो गया, नहीं नहीं ये ज्यादा ही लैग कर रहा है। कोई नहीं, खुल गया। अब यहां पर आ जाएंगे हम लोग अपने एक्सेस कंट्रोल इश्यूज के अंदर। आजा आजा
यहाँ पर तुम्हें क्या दिखाई दिया, ये एपीआई क्रेडेंशियल्स का बटन, ठीक है, जो मैं एक्चुअली में दिखाई देना चाहता था। यहाँ पर क्या है, एपीआई क्रेड की एक्टिविटी चल रही है जहां पर तुम्हें क्रेडेंशियल देखने, ये जो व्यू क्रेड्स है ये तुम्हारा पर्टिकुलर क्या है, व्यू एपीआई क्रेड्स, ठीक है। इस बटन में तुम जैसे ही क्लिक करोगे ना, तुम पीछे की तरफ वो क्रेडेंशियल देख सकते हो जो कि यहाँ पर सिक्योर करके लगवाई गई है, यहाँ पर एक्टिविटी थी उसकी। और ये जो है ना तुम्हारा बेसिकली क्या कहते हैं, jaka.asim.diva.action, अब यहाँ पर एक एक्शन का बटन दे रहा है, एक्शन में मतलब जैसे क्लिक करोगे एक्शन परफॉर्म होगा, जिससे क्या होगा तुम्हारा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो ये है हमारे एक इंटेंट का फिल्टर, जो कि क्या एक एक्टिविटी है जिसको स्पेसिफिकली मैनेज करेगा। अब हमारे पास क्या है, एक है टूल एम एक्टिविटी मैनेजर, हर काइंड की एक्टिविटीज को मैनेज कर देता है। तो यहाँ पर है, मैं आगे सिर्फ इतनी सी बात लिखूं कि जी मेरे को एक एक्टिविटी चलवानी है, तो चलवाने के लिए स्टार्ट, फिर एक एक्टिविटी जिसका नाम मैं यहां पर सेव करा दूं, उससे पहले इसे आकर यहां पर बंद कर दूंगा। यार कनेक्शन ज्यादा स्लो नहीं हो गया, क्या चीज नहीं, इंटरनेट का स्पीड आ रहा है। सर जब ओवरऑल में इंटरनेट स्पीड दिखाता है, ये आपके डिवाइस की स्पीड दिखाता है या पूरी इंटरनेट की दिखाता है? राउटर की दिखाता है, राउटर तो सारे इंटरनेट और राउटर की स्पीड को तेज भी है। जैसे अगर किसी ने 100 एमबीपीएस की है तो उसमें अगर हर एक 100 की दिखा दीजिए, और तुम मेरे को मेरा डेटा है वो भी यूज कर रहे हैं, हां तो कटता चला जाएगा ना, फिर कटता चला जाएगा तो हमारे पास सिस्टम कम हो जाएगा। हां क्या हो गया, चल गया मोबाइल कहाँ पे? यहां से मैं मारूंगा एंटर। देखो भाई अब पीछे की तरफ क्या हुआ, मेरा ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन हो गया ऊपर, ठीक है। ठीक, मैंने सीएमडी पे ना कुछ खास नहीं करा, मैंने एक्टिविटी मैनेजर का यहाँ पर हेल्प किया। एक्टिविटी मैनेजर ना तेरे सारे के सारे बैकग्राउंड की एक्टिविटीज को देखेगा, तेरी स्टॉप एक्टिविटीज को देखेगा, तेरी अगर कोई लॉग आउट एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी का बेसिकली सेंस ना तेरे एएम को पता है, एएम सब कुछ जानता है तेरे मोबाइल के बारे में, बस तेरे को एएम चलाना आना चाहिए। अगर तू एएम से कुछ स्पेसिफिक कॉल करवा सकता है एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी के लिए, ये जो फंक्शनैलिटी मैं करेंटली चला रहा हूँ ना वो तेरे यहाँ पर दे रखेगी। भाई हमारे को एक एक्शन का एक इंटेंट फिल्टर दे रखा था, इंटेंट मतलब स्पेसिफिक काम करवाना है, क्या काम करवाना है, इस पर्टिकुलर को ओपन करवा देना जैसे ही बटन पे क्लिक हो, ठीक है। यहाँ पर बात होती है, ये जरा बैक हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा ना, मतलब चल भाई। देख यहाँ पर है, मैंने ये वाली बात की, एम स्टार्ट डैश ए जाकर असीम दीवा एक्शन डॉट व्यू अंडरस्कोर क्रेडेंशियल्स, ये वाला पार्ट मैंने वहीं से उठाया था अपना जैडएक्स से,
ठीक है, क्योंकि मेरे को ये जो पर्टिकुलर डेटा है ना इसी को ही एक्शन को रन करवाना था, बट मैं डायरेक्टली रन नहीं करवाना चाहता क्योंकि यहाँ पे मैं कर रहा था बग उठ रहा बिल्कुल पॉपअप नहीं है बटन है तेरा बटन पे जैसे तू क्लिक करेगा यू मान के तेरा फिंगरप्रिंट का स्कैनर है या तेरा पासवर्ड वाला बटन है, तूने अपने पासवर्ड के बटन पे या फिंगरप्रिंट पे क्लिक करा जैसे ही तेरा ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। लेकिन तुझे तो बैकग्राउंड का डेटा से मतलब था ना, तो यहाँ पर क्या करा एक्टिविटी मैनेजर ने, उसने बस इतना बोला कि भाई ये जो व्यू क्रेडेंशियल्स है ये तो ऑटोमेटिकली चेक कर लियो, मुझे पीछे का डेटा दिखा दे। व्हाट्सएप पे निकलता है एप्लीकेशन व्हाट्सएप में है, व्हाट्सएप में था मतलब अभी नहीं है बट पहले था। हाँ मतलब तुम्हारा फिंगरप्रिंट स्कैनर बाईपास ही, ठीक है देखो ये डायरेक्टली हो गया ओपन, ओपन हो जाने ही बेसिकली बात होता है। यहाँ पर चलो कोई सिक्योरिटी नहीं था, दूसरी यहाँ पे हल्की सी सिक्योरिटी और है। देखो भाई यहाँ से ना मेरा डायरेक्ट बैक कर दी सारा का सारा बैक हो गया, ठीक है बिल्कुल ही जीरो पे आ गया। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ एक ही पैकेज ओपन करा वो ये वाला था और कुछ ओपन ही नहीं करा था। अभी भी काम करना, अभी से मैं बैक कर देता हूँ, लेकिन अब क्या हुआ हमें पूरा ही बैक आ गया क्योंकि एप्लीकेशन कभी ओपन नहीं हुआ था। क्या ओपन हुआ था? बस उसका एक छोटा सा हिस्सा। क्या हुआ? लाग आ रहा है बीच में। उनको भी दिक्कत नहीं आ रही होगी टाइम पर। इनकी तो क्लास चली रही है। ऑनलाइन किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कौन सा रहता? हाँ पार्ट टू। अब भाई यहाँ पर हो जाएगा थोड़ा सा हिसाब किताब बेटर। पहले क्या था? पहले कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। यहाँ पर जब ओपन करेगी तो भाई आपको यहाँ पर डायरेक्ट एक सिक्योरिटी दिखाएगा कि भाई अब दो तुम्हारे को रेडियो बटन दिखाएगा, एक आएगा रजिस्टर नाउ का, एक आएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर यहाँ पर मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से अपने API के क्रेडेंशियल्स चेक करता हूँ, मेरे को यहाँ पे डेटा दिखने लग गया, ठीक है जैसे कि पहले दिख रहा था। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है रजिस्टर नाउ पे जब क्लिक करूंगा फिर से वही सेम सीन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? एंटर पिन रिसीव्ड फ्रॉम ट्विटर, रजिस्टर योरसेल्फ एट http://2.com टू गेट योर पिन एंड देन लॉग इन विद दैट पिन, ठीक है OTP पिन जो भी है, लेकिन तुम्हें एंट्री मारने के लिए चाहिए। You are able to access the third party app Twitter API credential after you have registered with Twitter. The app requires you to register online and the vendor gives you a PIN. ठीक है, PIN तो मैं मिल गया, which you can use to register with the app. अब हमें access करके देखना है उस API के credential को बाहर की तरफ से without knowing the PIN. ठीक है, अब तुम्हें PIN के बारे में idea नहीं है, but still तुम इसी particular point की help से एंट्री मारना चाहते हो जो डेटा तुम्हें ऑलरेडी रजिस्टर्ड की बात दिखाई दे रहा था। ठीक है, अब मेन कहानी हमारी है, काम वही करना है अपने को, अपने को फिर से वही जाना है डाटा इसके अंदर। इस बारी मैं दूसरी वाली एक्टिविटी चेक करूंगा। तो ये तो हो गई थी मेरी पहली वाली, ये लो ये आ गया मेरा सेकंड नंबर। ठीक है, अगर मैं इसे बाजू की तरफ करता हूँ तो ये आ गया भाई मेरा जाकर सीम दीवा कंट्रोल टू एक्टिविटी जिसको मैं अभी करेंटली कर रहा हूँ।
यहाँ पर आके भाई मेरी API क्रेडेंशियल वाली एक्टिविटी पूरा पूरा एरिया भाई, यहाँ पर भी एक इंटेंट फिल्टर एक्शन का एक बटन जाकर सीन डिवा के बारे में मेरे को डिटेल दे रखा है, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ से उठा के कॉपी कर लूंगा, कॉपी कॉपी कॉपी। अब मैं जाऊंगा हल्का सा ऊपर और इसको एक बारी समझने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखो भाई, पहले वाली अगर एक्टिविटी के बारे में समझाऊं तो वहां पर है ना API की क्रेडेंशियल मुझे दे रखे थे, यहां पर तुम्हें डायरेक्टली एक इंटेंट का फिल्टर दे रखा था और यहां पर एक एक्शन सेट कर दिया था, क्या जाकर credential देखनी थी मेरे को, तो यहाँ पर रिजॉल्व करवाएगी उस एक्टिविटी को, उस एक्टिविटी को स्टार्ट करवाएगा, लेकिन यहाँ पर जितनी बात करेगी वो सारी सारी क्या करेगी एक्टिविटी के अंदर। इसीलिए मैंने एक्टिविटी मैनेजर का इस्तेमाल करता था इस काम के लिए। अगर यहाँ पे एक्टिविटी के बारे में कोई कहानी नहीं होती तो मैं ऑब्वियसली एक्टिविटी के बारे में नहीं लिखता। एक्टिविटी क्या है पंकज, एक्टिविटी क्या है? कॉम्पोनेंट। एंड्रॉइड का चार कॉम्पोनेंट में से एक कॉम्पोनेंट है एक्टिविटी, सर्विसेज, कंटेंट प्रोवाइडर, रिसोर्सेज में से एक एक्टिविटी है हमारा, इसीलिए एक्टिविटी मैनेजर डेवलप करवाया गया हमारा, समझा। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी चल रही है इसलिए मैंने इसको कॉल करवाया। सिमिलर में दूसरे में भी हमारे यहाँ पे क्या चलेगा, एक्टिविटी ही चलेगा, स्टार्ट एक्टिविटी। बट अब क्या करना है मेरे को, फिर से क्रेडेंशियल ही देखना है, यहाँ पे सेव करवाएगा इंस्टेंस को कहीं ना कहीं, सेव्ड है बेसिकली ये इंस्टेंस। लेकिन यहाँ पे क्या भाई, रेडियो बटन की बात आ गई, तुम्हारे सामने रेडियो बटन था ही, तो ये रेडियो बटन पे मैंने क्लिक करा, दो रेडियो बटन में से एक रेडियो बटन। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे तुमसे बोल रहा है, अब यहाँ पर कंडीशन स्टेटमेंट दिया गया बुलियन ट्रू और फॉल्स का, कि भाई मेरे को ना पिन चेक करके बता, ठीक है, पिन किसे चेक करनी है, सही है या गलत है। अगर सही हुई तो यहाँ पे बोलेगा भाई चेक करा मैंने, सही है, अगर सही नहीं है तो साफ सीधा बोलेगा गलत है, ठीक है। एरर व्हाइल गेटिंग ट्विटर API डिटेल्स, क्योंकि गलत था वो सारा कुछ, समझे बात को, क्यूई वाली बात कही गई यहाँ पे। चलो अब यहाँ पर भी हमें सेम काम करना है, जब भाई तुम्हारे पास ऑलरेडी डिटेल है कि वहां पर बुलियन की स्टेटमेंट मांगी जा रही है और स्टार्ट में क्या मांगा जा रहा है कि भाई तुम्हें यहाँ पर एक पिन भी चेक करवानी है, तो मैं यहाँ पर सेम कहानी करूंगा। अब जाऊंगा थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर हमने API का क्रेडेंशियल डाला, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शनैलिटी है डैश डैश इजी करके, ठीक है। इजी से क्या होगा, हमारा एक बुलियन का स्टेटमेंट चेक कराया जाएगा जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस स्पेसिफिक चीज को बाईपास करेंगे। अब मेरे को यहाँ पे बाईपास क्या करवाना था, यहाँ पर मुझे बाईपास करवाना था एक पर्टिकुलर पॉइंट जो कि था ये वाला। तो भाई यहाँ पर है ना, मैं स्पेसिफिक चीज मेंशन करवा दूंगा जी कि मेरे को ना ये बाईपास करवाना है, चेक पिन। तो चेक पिन में क्या बोलूंगा, फॉल्स। फॉल्स क्यों बोला, नहीं क्योंकि यहां पे मैंने बोला कि भाई पिन ही मत चेक करियो यार, पिन चेक होगा तो ऑब्वियसली मेरी तो गलत है पिन, और पिन चेक ही नहीं हो रहा तो क्या गलत क्या सही, समझे पॉइंट को, क्यों फॉल्स लिखा आप कह रहे हो कि तू पिन चेक मत करियो,
हाँ पिन चेक मत करिए, ऑब्वियसली यही कहना चाहता हूँ मैं, अगर वो पिन चेक कर लेगा तो मेरा काम ही खत्म हो गया ना। एक्टिविटी मैनेजर तो ओपन होगा नहीं, एडीबी 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 चल सो वही पर दिखाता हूँ। पहले से एक बार रन कर दो फिर संभालो। देखो भाई पीसी की तरह से मेरा डेटा ओपन हो गया, ट्विटर के एपीआई क्रेडेंशियल्स और भाई मेरे को मेरा साफ सुथरा डेटा दिखाई देने लग गया अब यहाँ पे। ये वाले तो क्या चीज, ये वाला वो डेटा हमारे डायनेमिक आ जाएगी, किस में आ जाएगी? हाँ बिल्कुल डायनेमिक की है वल्नरेबिलिटी। हाँ तो अभी पिन मांग रहा है, अभी तो बस एग्जांपल दे रहा था मैं, एक बार वो चेक कर रहा था कि भाई इजी तुम्हें दिखा दूं। हल्का हल्का ऊपर करता जा, इजी पड़े यार एक बार बड़ी इजी मेरे को दिखाई देता है तो। बोरा 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 रुक रुक रुक, डैश डैश इजी, एक्स्ट्रा की एक्स्ट्रा बुलियन की वैल्यू, ठीक है अब जेडएक्स में चलते हैं। अरे फाइल ये सुन, कौन सा वाला था हार्ड कोड नोट्स, हाँ एक्सेस कंट्रोल टू की एक्टिविटी, एपीआई के क्रेडेंशियल चेक कर देते, ठीक है इंटेंट का फिल्टर, बूलियन का स्टेटमेंट दे रखा तो मैंने बूलियन की जगह क्या लिखा डैश डैश इजी, तो यहाँ पे मेरा बूलियन का हिसाब किताब मेरे सामने आ गया। अब यहाँ पे क्या है चेक पिन है, तो भाई मैंने डैश डैश इजी की वजह से चेक पिन लिखा इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है आर बी आर ई जी नाउ डॉट इज चेक्ड, ठीक है चेक के बाद क्या है यहाँ पे पूरा पूरा एक्सेस डेट करा गया कि भाई चेक करना है तो क्या चेक करना है कि भाई ये जो पर्टिकुलर बंदा है या ये जो सा एप्लीकेशन चलने वाला है इसके क्रेडेंशियल का जितना भी डेटा है वो मेरे को यहाँ पर साफ सीधा ओपन हो जाना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं छोटा सा चेंज करूंगा अपने काम के लिए, समझे इजी क्यों लगाया ठीक है। इसके बाद मैंने क्या लिखा था डैश डैश इजी, क्योंकि भाई मेरे को मेरा बुलियन की कंडीशन को यहाँ पे कॉल कराना था और यहाँ पे मैंने लिखा था चेक पेन, तो फिर से वही काम करूंगा चेक अंडरस्कोर पेन और लास्ट में क्या लिखा था चेक अंडरस्कोर पेन फॉल्स, बट पीछे से एक बार करना पड़ेगा बात। देखो भाई इस बारी मेरा डेटा हो गया ओपन, ठीक है इस बारी बस मैंने क्या करा यहाँ पर एक नाम बदला चेक पिन, ठीक है चेक पिन क्या है, चेक पिन है भाई मेरी की, ऊपर लिखा होता है एक्स्ट्रा की और साथ में एक्स्ट्रा बुलियन वैल्यू, तो भाई डैश डैश इजी के अंदर मैंने क्या करा एक तो मैंने एक्स्ट्रा क्या दिया अपना की था मेरा चेक पिन और भाई एक्स्ट्रा बुलियन वैल्यू क्या दिया फॉल्स। अगर पिन चेक करने की बात आए तो क्या कर देना है उसको कर देना है फॉल्स, खत्म कर देना है भाई कोई देखने की जरूरत नहीं है मेरे को कुछ नहीं करना उसके अंदर, तो बस बंद करके साइड में फेंकियो ये वाली, अगर उसके ऊपर क्या हो जाए ओवर आ जाए उसके ऊपर आ जाए तो तुम्हारा पर्टिकुलर एक्सेस तुम्हें मिल जाता है एप्लीकेशन के अंदर, समझे किसी को कोई डाउट इसके अंदर? ये तुम्हारा एक्सेस कंट्रोल का इशू कि भाई तुम्हें एंट्री कैसे मिलती है एक पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर में। लेकिन दिक्कत की बात यहाँ पर ये नहीं है, दिक्कत की बात यहाँ पर ये है कि तेरे को ये कैसे मिलेगा,
ठीक है, क्रेडेंशियल मिलना या एक्शन का बटन मिलना, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर तेरे को एक्शन नहीं मिल रहा तो तू ये वाले कारनामे कभी नहीं कर सकता, ठीक है। ये चीज हम बेसिकली ढूंढने जाते हैं इस पर्टिकुलर के अंदर में। अब भाई आ गया हमारा एक्सेस कंट्रोल इश्यूज का पार्ट थ्री। अब यहां पर आ गया एक और पार्ट, तुम्हें यहां पर क्या करना है, दिस इज अ प्राइवेट नोट्स एप्लीकेशन, यू कैन क्रिएट अ पिन वंस एंड एक्सेस योर नोट्स After entering the correct pin. Now try to access the private notes from the outside the app without knowing the pin. अब आगे बात पिन की। अब भाई पिन का एक्सेस लेने का, और पिन का एक्सेस का मतलब है डिफरेंट सीन, भाई पिन का एक्सेस कैसे लिया जाए। अब पिन की बात आ गई सीधी सीधी, अब पिन का क्या करा जाए, पढ़ो गए एक्सेस कंट्रोल थ्री की एक्टिविटी, सेव्ड इंस्टेंस, इंस्टेंस कंटेंट को करना है तुम्हें व्यू। यहाँ पर हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग जाते हैं हल्का से नीचे। यहाँ पर है तुम्हारा ऐड पिन का फंक्शनैलिटी चल रहा है, प्रेफरेंस मैनेजर आ गया है यहाँ पर तुम्हारे पास, प्रेफरेंस मैनेजर को कोई ना कोई पेज चल रहा होगा। देखो यहाँ पे डेटा का शोर हो रहा है शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर, ठीक है, लेकिन हमारी ये शेयर्ड प्रेफरेंसेस की एक्टिविटी नहीं चल रही है। क्या देखना था, यहाँ पे हमारा दोबारा से टेंट का है तो बताओ भाई कोड में क्या लिखा हुआ है। अब तो बहुत सारा कोड पढ़ लिया हम लोगों ने सर, यहाँ पे है ना कोड, पहले तो वर्ड में ये पिन ऐड कर रहा है, फिर शेयर प्रेफरेंस के बाद जो मैं गलत से समझू बता रहा हूँ, जो प्रेफरेंस मैनेजर है ना ये हमारा डिफॉल्ट शेयर प्रेफरेंस मैनेजर है, तो ये हमारा शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर इधर डेटा स्टोर कर रहा है। और ये एडिट टेक्स्ट भी तो हमारा वही हो जाएगा, फिर एंटर करते समय हमारा चेंजेस वगैरह करने का, और फिर को फिर हम यहाँ पे वो कर रहे हैं चेक कर रहे हैं, अगर फिर खाली है तो फिर फिर अगर एम्प्टी है तो एंटर वगैरह के जो भी है, और फिर अगर सही आ जाता है तो हमारा हम फिर नीचे आ जाते हैं। ये बी बटन क्या है, विजिबिलिटी वाला सीन कुछ समझ नहीं आता, कौन सा ये नीचे है ना बी बटन, ये नीचे गेट विजिबिलिटी वाला गेट हो जाता है कहाँ पे, ये ना इसके बाद अच्छा गेट विजिबिलिटी, ये बी बटन गेट विजिबिलिटी नॉट इक्वल टू जीरो तो बी बटन सेट विजिबिलिटी हो रहा है। इसका क्या करेंगे सर, देखो यहाँ पर भी एक इंटेंट का ही फिल्टर लिखा, यहाँ पर भी एक्टिविटी का ही जिक्र करा गया, एक्टिविटी मैनेजर से ही होगा जो भी काम होगा हमारा, यहाँ पे हमारा पिन से काम भी होगा। एक्टिविटी मैनेजर का काम दे रखा है इन्होंने, बोल भी रखा है कि इंटेंट है, तुम्हें क्या करना है तुम्हें नोट्स का एक्सेस लेना है बिना पिन डाले, बिना पिन डाले नोट्स का एक्सेस लेना है। यहाँ पर मेजर पॉइंट ये है हमारा, समझे मेजर पॉइंट ये, लेकिन ये करा कैसे जाए। यहाँ पे मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे हमारा यहाँ पे पिन से काम नहीं हो रहा, पिन से भी काम हो जाएगा, नहीं वल्नरेबिलिटी के एस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, मतलब क्या कहना चाहता है, तो जैसे यहाँ पे कोड में से हमने कोई एक पैर को उठा दिया स्प्रिंग वगैरह या जो भी है कोड में दिक्कत हो गई है पीटीए रिलेटेड, उससे मतलब तूने पिन ढूंढ ली यहाँ पे और तूने पिन से डायरेक्ट एंट्री मार ली तो ऑब्वियसली वो बकवक कुछ नहीं हुआ, वो तेरा ब्रूट फोर्स हुआ है। ब्रूट फोर्स कैसे, वो तो हम तो तूने एम्बेड ढूंढा है ना, तो तू एम्बेड यहाँ पे देखाएगा भी ना कि भाई ये हमारे पास स्क्रीनशॉट है उस काम का कि आपने यहाँ पे एम्बेड कर रखा था उस चीज को, तब वो बग होगा, अदरवाइज वो बग नहीं होगा।
कौन सा चल रहा था, नंबर थर्ड। सर ये मॉड्यूल के हिसाब से यार पता नहीं 17 नंबर वाला डिलीट हो गया, खाली पड़ा हुआ है वो, उसके अंदर डेटा होना चाहिए था। हाँ क्या वो चल ही नहीं रहा है? हाँ हाँ वो भी नहीं चल रहा है ढंग से, मेरे में दिक्कत दे रहा है। ये देखो भाई इधर मैंने जैसे ही अपना 0-0 लिखा, अब ये देख वो जो तेरा विजिबिलिटी वाला बात था क्या हुआ, गेट विजिबिलिटी, किसकी विजिबिलिटी आई मेरे पास, गो टू प्राइवेट नोट्स की, समझा। फिर आया ये वाला पॉइंट 0000 चार अक्षर के शब्द, फिर मारा इधर से एक्सेस डेटा प्राइवेट नोट्स, और अब जाके मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, मेरा डेटा दिखाई दे रहा है। क्या ये भी तो बग है? क्या बग है? आपने जो आपके पिन थे फिर आपको नहीं पता था, आपने डाला वहां क्रिएट पिन का फीचर था, आपने पिन क्रिएट किए वहां लिखा तो हुआ था क्रिएट और चेंज पिन, वो तो गो टू प्राइवेट नोट में जाकर यहाँ पर मेरे को सिमिलर चीज कह रहे क्रिएट और चेंज पे, यहाँ पर ये वाली बात लिखी हुई थी, इसको बायपास कर सकते हैं? कर सकते हैं, पिन का बायपास अपना पूरा पूरा वर्किंग ही है, ठीक है। क्या ऐप लॉक की बात करी जा रही है यहाँ पे? उसके की बात नहीं कर रहा मैं, उसी की बात कर रहा हूँ, तो उसी का भी तू बाईपास कर सकता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली कोई ना कोई ब्रॉडकास्ट रिसीवर लगा के बैठा हुआ है अंदर, फिर तेरी दूसरी पे एप्लीकेशन एक और ब्रॉडकास्ट रिसीवर अपने अंदर में एम्बेड करवा लेगी, ठीक है। ब्रॉडकास्ट रिसीवर एम्बेड हुआ तो तेरे को पढ़ते को मिलेगा जी ब्रॉडकास्ट रिसीवर आया है मेरे अंदर, जैसे ही मेरा एप्लीकेशन ओपन होगा एक पीछे से ब्रॉडकास्ट आएगा, किस चीज का, उस ऐप लॉक का, तब जाके ओपन होगा, अदरवाइज ओपन नहीं होगा। पहले ब्रॉडकास्ट रिसीवर देखने पड़ेंगे कि भाई कहाँ कहाँ पर है, फिर जाकर उसका क्रेडेंशियल निकालना पड़ेगा, फिर जाकर कहीं तेरा बाईपास होगा। हाँ तो मोबाइल से एडीबी कनेक्ट कर ले, तब तू ये वाला काम कर ले, उसमें क्या फर्क है, ये वाला पूरा एप्लीकेशन तू इससे मोबाइल से चला ले, बस याद रखे तेरा मोबाइल रूट नहीं है तो तू पूरा पूरा एक्सेस नहीं ले सकता, डिवाइस से चला रहे क्योंकि भाई इसका पूरा एक्सेस है।